नमस्कार, मैं हूं अमन पिलानिया। एलनाबाद की ग्राउंड रिपोर्ट लगातार आपको दिखा रहे हैं। हर गांव में जाते हैं, लोगों से बात करते हैं, क्या है उनके गांव का माहौल, क्या है एलनाबाद का माहौल। सभी उम्मीदवार अपने ग्राउंड पर आ चुके हैं, सभी उम्मीदवार गांव में जाने लग गए हैं अब, क्योंकि नज़दीक आ गया है वोटिंग का समय। 30 अक्टूबर को वोटिंग होनी है। तो अभी फ़िलहाल हम जमाल गाँव का जो चौक है, सिरसा से आता है जमाल चौक, उस चौक पर हैं। यहाँ पर कुछ बुज़ुर्ग बैठे हुए हैं, कुछ युवा बैठे हुए हैं, उनसे जानते हैं क्या है एलनाबाद की पसंद, क्या है उनके गांव की पसंद। तो इनसे बात करते हैं आज, इनके विचार जानते हैं। नमस्कार। नमस्कार। गांव कौन सा है जी अपना? गांव मेरा धड़वा कला है। क्या माहौल है? सभी कैंडिडेट उम्मीदवार सभी मैदान में आ चुके हैं, क्या माहौल लगता है? माहौल अभी तो अजय सिंह का ही है ज़्यादातर। तो अजय सिंह या अभय सिंह? अभय सिंह। हाँ, अभय सिंह का ज़्यादा है। जब पवन बेनीवाल भी हैं कैंडिडेट कांग्रेस से, और बीजेपी से कांडा है जो जेजेपी बीजेपी पार्टी दोनों की पार्टी है, तो उसका क्या माहौल लगता है? अमन बेनीवाल ठीक है, नया कैंडिडेट है कांग्रेस की तरफ से। माहौल इसका भी खैर कुल मिला ठीक ठीक है वैसे। और वो सरकार की तरफ से गोविंद कांडा का देखो माहौल अभी तो शुरू हुआ है, पता नहीं अब क्या बने क्या नहीं। बाकी ज़्यादातर तो ये बिल्लू का ही है। आपके गाँव में अभी सिंह ज़्यादा? मेरे गाँव में तो पवन बेनीवाल का। आपके गाँव में पवन बेनीवाल? हाँ जी, मेरे गाँव। कितने वोट है टोटल? टोटल 3,500 वोट है। 3,500? 3,500 में से पवन बेनीवाल के कितने चले जाएंगे? 2,000 वोट आ जाए। नमस्कार। नमस्कार जी। कौन सा गांव है जी? मेरा तो परलिका है, एलनाबाद में आता है। अच्छा, वैसे क्या माहौल है? हा? माहौल क्या लगता है, आप यहाँ पे रहते हो? माहौल कांडा लग रहा है। अच्छा, कांडे का माहौल लग रहा है? कांडे का माहौल लग रहा है, क्यों? कांडा ईमानदार आदमी है, एक नंबर आदमी है, कुछ गरीबों के लिए सहयोग दे दिया है, कांडा माहौल लग रहा है। कितने वोटों से जीत जाएंगे कांडा? कांडा लगभग जीत जाएगा 10,000 वोटों से। नमस्कार जी। के बता कह दिए नहीं, अरे परसों पहले दिन को नहीं, तुम सरसों हो गए? नहीं नहीं, मैं जिन से आया हुआ हूँ। आपका गांव कौन सा है? जमाल है। ओ आप ही है मकान में कौन सर? क्या माहौल लगता है? माहौल मानो तो भाई देखो, कांडा कूडा तो कोई बढ़ने को नहीं जमाल में। यहाँ कह दिया कभी कह, पर हमारा सरपंच है नंद लाल, वो कांडा सगे क्यों बीजी जी जी पीर भी सगे, तो कांडो आवे गो गम है बन जितते गो कह, तो पवन बेनीवाल या बिल्लू टक्कर दोगी। जमाल में कितने वोट है टोटल? टोटल जी 8,000 वोट। 8,000 में से पवन बेनीवाल के कितने वोट आ जाएंगे? वोट को तो देखो जी, पे वो वोट पवन बेनीवाल के ही बफर आने चाहिए, क्योंकि सरपंच जोर मारे अभी मैं बिल्लू ने घसाऊंगा ये बात। अच्छा, एक विकल्प प्रचार भी खपे हुए हैं, तो उनका क्या माहौल है? वो कटक है ना जी, आठा और को नहीं आठ, तो 20-30 वोट में रह सके कोई हो सही। हाँ, पमनगी चुटा लाई टक्कर है बस, और को कांडो को कांडो है बस, दोवांगी कहा कांडे नहीं कोनी वोट कोनी। अच्छा, गांव में अभय सिंह और पवन बेनीवाल की टक्कर है। हाँ। अच्छा, भरत सिंह बेनीवाल को टिकट नहीं मिली है, अभी उन्होंने फैसला नहीं लिया है। अगर वो पवन बेनीवाल या अभय सिंह की तरफ जाते, कुछ असर दिखाई देगा फिर गांव में, कुछ बदलाव दिखाई देगा? नहीं, ये कह दिया नहीं कोई, शैलजा कह दिया के बी सिंह लड़के मिल गए और मिल गए सारा, भरत सिंह ने राजी कर लिया। भरत सिंह कह भी मैं पवन बेनीवाल को दिलाऊंगा, ये बात सुनी है मैंने, और तुम्हें क्या बताऊं। अच्छा, पर्सनल वोट है भरत सिंह के गांव में? हाँ, फुल कम से कम 1500 वोट है भरत सिंह बेनीवाल के। हाँ, 1500 कह गिरेगा ये बार। नमस्कार ताऊ जी। हमारा तो राजस्थान गांव है भाई। अच्छा, राजस्थान गांव है। हाँ। आप यहाँ पे रहते हैं? ना, 8 वर्ष अड्डे पर कोई सवाल नहीं टिका। अच्छा, क्या माहौल लगता है, बात होती होंगी लोगों से? बात तो मानते, टूटा लड़ा के लगे, टूटा लड़ा के लगे, ताला का लगा। मेरी सुन ले। हाँ जी। वो तो ही कोई जमाल में आया नहीं, गया नहीं, वो तो ही कोई समाचार नहीं, ठीक है? आवेगा तो पार्टी को सबको बेरो पड़ जाए, अभी कौन सो आगे जाए कौन सो पीछे, पर उम्मीद बरतेगी कहेंगी पौनेगी अरे बिल्लू की, तो बस, और कोई आदमी नहीं आएगा बीच में। मेरे पर पंगड़ी खड़े हुए है तो 20-30 वोट आ सके, और कोई अरे कांडे ने बढ़नी कौन दे सरपंच का भी जी। चुनाव कौन जीत सकता है इलाहाबाद का, क्या लगता भाई? है मोल तो इब का जे मिल गए सारे कांग्रेसी बढ़ दू, शैलजा मिल गई, कवि सिंह मिल गया, तो मेरे को उम्मीद है कि पवन बेनीवाल कर सके, नहीं तो बिल्लू को रानिया नहीं। अच्छा, अगर ये मिल गए तो कांग्रेस जीत जाएगी, अगर ये नहीं मिले तो अभय सिंह चौटाला जीतेंगे। और कोई
उपाय नहीं किसी। तो इनसे भी बात करते हैं जो यहाँ पर गांव में प्रतिदिन अपनी रेहड़ी लगाते हैं। तो नमस्कार जी। नमस्कार। गांव कौन सा जी? जमाल। क्या माहौल लगता है? माहौल भैया वही लगे बताना रहता उतारो। फिर भी आप भी बताओ अपने विचार। नहीं मैं विचार कभी सुनिया ही को नहीं। ये भाई पार्टी पुल्टी कोई आवेगी फिर चर्चा। आप किसको वोट दोगे? मैं वोट बाट तो की नहीं जहाँ से वोट मारो काम है। मैं रेडी लगाऊ मैं वोट आऊ क्या बा मेरी मर्जी में देनी है। मेरे कोई दबाव को नहीं किसी कोई ठीक है। मैं मेरी मर्जी में देना है। लेकिन बताओगे नहीं कहा देने? बिल्कुल नहीं। चलो ठीक है। तो साथियों जमाल चौक पे थे। आपने बुजुर्गों के विचार जाने क्या विचार है क्या माहौल है जमाल का। अभी फिलहाल हम जमाल गांव में भी जाएंगे वहां पर लोगों से बात करेंगे गांव के अंदर क्या माहौल है। तो साथियों आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं और इस वीडियो पर अपने विचार रखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जमाल चौक से अपने सहयोगी के साथ मैं अमन पिलानिया।